हेलो हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या विजयवर्गीय एंड आई पोस्ट कंटेंट अराउंड स्किन केयर, ब्यूटी एंड फैशन। इफ यू न्यू टू माय चैनल, प्लीज टेक अ मोमेंट एंड डू सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन की बेल आइकन भी ऑन कर लेना। सो विद दैट लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इधर देखूँ कि इधर देखूँ, लाइक आई डोंट नो वेयर टू सी। सामने देखती हूँ। ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग। दिस वीडियो टाइटल, एज यू माइट हैव रेड फ्रॉम द टाइटल, कि हम लोग बॉडी सनस्क्रीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सनस्क्रीन हम लोग फेस पे तो लगाते ही हैं, बट बॉडी सनस्क्रीन्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, स्पेशली इन समर सीजन। लाइक आई डू अग्री दैट यूवी एक्सपोजर विंटर्स या फिर रेनी सीजन में थोड़ा कम हो जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी एज वेल। यू कैन सी आई वेंट टू सम बीच लोकेशन फॉर वेकेशन एंड आप देख सकते हो, आपको इधर के पार्ट में और इधर के पार्ट में डिफरेंस दिख रहा होगा क्लियरली। नॉर्मली भी हम जो टॉप्स पहनते हैं ना, वो मोस्टली यहाँ तक आते हैं हमारे, तो नीचे का पार्ट हमारा हमेशा एक्सपोज रहता है सन को एंड टैनिंग क्लियरली दिख रही है कि है। और ये मुझे दिख रहा है, बट बाकी लोगों को भी बहुत ज़्यादा होगा टैनिंग। कुछ लोगों को पैर में भी ज़्यादा हो जाता है। मुझे पैर में इतना नोटिस क्लियरली इतना नहीं समझ आता है, बट हाथ में मुझे साफ समझ आ रहा है बहुत टाइम से कि मुझे टैनिंग है। एंड आई डू अग्री दैट जो चीज़ें मैं अभी बताने वाली हूँ उनसे टैनिंग कम नहीं होगी। जो मुझे ये है, इसको कम होने में बहुत टाइम लगेगा। लाइक आई हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ माई विद द यूसेज ऑफ दोज प्रोडक्ट्स, तभी जाके वो कम होगा। आई डू वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैम बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको पता ही नहीं रहता कि ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक दीज गुड प्रोडक्ट्स, ये भी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू गाइज नो कि आई हैव ट्राइड दीज प्रोडक्ट्स एंड दीज प्रोडक्ट्स आर रियली गुड, तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड ऑल्सो मुझे ये बहुत ही बड़ा सा पिम्पल हो रहा है, PMS वेरी स्ट्रांगली दिस टाइम, एंड उसकी वजह से मुझे ये हार्मोन वाले एक्ने आए थे। बट विदाउट फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो आई हैव 5 प्रोडक्ट्स, 3 सनस्क्रीन स्प्रे है, यस, एंड 2 बॉडी क्रीम वाले सनस्क्रीन, बॉडी लोशन है बेसिकली। तो ये बॉडी सनस्क्रीन नहीं होते हैं, ये बॉडी लोशन इन्फ्यूज्ड बॉडी सनस्क्रीन होते हैं। नहीं ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ये सनस्क्रीन इन्फ्यूज्ड बॉडी लोशन होते हैं। वाओ, फर्स्ट प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, विच वॉज द फर्स्ट जेम दैट आई फाउंड, एंड ऑनेस्टली इट वॉज गिवन टू मी बाय द ब्रांड। उन्होंने मुझे PR में सेंड किया था कोलैबोरेशन के लिए, तो मैंने ट्राई किया था, बट देन आई लव्ड इट सो मच कि मैंने खुद से उसको Amazon पे खरीदा है एंड आई विल कंटिन्यू टू परचेज इट। दैट इज विश केयर का सनस्क्रीन बॉडी लोशन। आई हैव मेड अ रील ऑन दिस डेडिकेटेड एंड आई हैव ऑल्सो रिकमेंडेड दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स टू पीपल जिन्होंने मुझे कॉमेंट्स में कभी पूछा है। सो दिस इज वेरी वेरी गुड। दिस इज सनस्क्रीन बॉडी लोशन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA एंड UVB प्रोटेक्शन। इट हैज नायसनामाइड, सेरामाइड, कैरेट सीड एंड रास्पबेरी। इसमें SPF 50 PA++++ है। सो बेसिकली दिस इज फॉर एवरी डे सन प्रोटेक्शन एंड दिस होल बॉटल इज एम्प्टी। दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। इनकी प्लास्टिक की वाली बॉटल आती है एंड पंप पैकेज होता है, तो आप इसको ऐसे पुस कर सकते हो, लाइक यू नीड टू ओपन इट एंड देन, तो प्रेस क्यों नहीं हो रहा है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, बट ये हो नहीं रहा है फॉर सम रीजन। गजब बेइज्जती है। तो इसका कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थिक है, बट ये बिल्कुल व्हाइट कास्ट नहीं देता है। आई हैव अर्लियर ट्राइड निविया के बॉडी सनस्क्रीन एंड उसको लगाने के बाद ना, वो थिक तो रहता ही था, बट उसको लगाने के बाद इतना व्हाइट कास्ट रहता था और बहुत ही चिपचिप लगता था, लाइक दैट चिपचिप थिंग आई डोंट लाइक। एंड उसके वजह से मुझे बॉडी लोशन बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, नो फ्रेग्रेंस, लाइक बहुत ही हल्की फ्रेग्रेंस आती होगी एंड नो चिपचिप, अच्छे से एकदम ऑब्जॉर्ब होता है, नो व्हाइट कास्ट। आई एम गेट टू सी रिजल्ट फॉर द टैनिंग पार्ट, बट दिस इज अ थिंग लाइक यू नीड टू इनकॉर्पोरेट दिस इन योर रूटीन। लाइक ये कोई वन टाइमर टू टाइमर थिंग नहीं है, जैसे जो DIYs होते हैं ना, हम टैनिंग रिमूव करने के लिए कुछ लोग यूज करते हैं, ये वो नहीं होता है, तो ये आपको रेगुलरली यूज करना चाहिए। एंड आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट सो मच दैट आई विल नॉट हेजिटेट टू यूज इट रेगुलरली। इट इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। आई डू हैव अ कूपन कोड विद विश केयर, आई विल मेंशन इट हियर, यू कैन यूज इट एंड टू गेट सम डिस्काउंट। वैसे हम लोग के बाय वन गेट वन भी बहुत आता रहता है, तो उस टाइम पे आप खरीद सकते हो, या फिर 50% वाला सेल आता है, तो आप खरीद सकते हो, तो आपको काफी अच्छी डील में मिल जाएगा। तो ये मैंने खुद से बाय किया था। आई एम येट टू ओपन दिस। अभी जो मेरे बाकी बॉडी लोशन्स हैं, मैं उनको खत्म करने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा यूवी एक्सपोजर खत्म हो गया। मैंने समर्स के टाइम पे ये वाला काफी ज्यादा रोज यूज करती थी मैं एक्चुअली इसको, तब जाके ये खत्म हुआ था।
आई रियली वॉन्ट टू शो यू इसका कंसिस्टेंसी, बहुत ही एकदम जो क्रीमी बॉडी लोशन होता है ना वैसे ही बिल्कुल एकदम इसका कंसिस्टेंसी है. यू कैन सी इट इज वेरी थिक एंड बिल्कुल अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है. लाइक यू कैन, आपको ऐसा लगेगा कि आप बस एक थिक मॉइस्चराइजर लगा रहे हो अपने बॉडी पे. सो इट इज़ गुड, लाइक एक बॉडी लोशन आपको SPF प्रोवाइड कर रहा है. इट इज़ वेरी गुड, सी बहुत ही ईजिली अब्जॉर्ब हो गया एंड कुछ भी वाइट कास्ट नहीं है एंड बहुत ही हल्की सी फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगी, बहुत ही ईजिली अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में. सो आई रियली लाइक दिस वन एंड बिल्कुल मेरा सजेशन है आपको इसको खरीदने का. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वन बॉडी लोशन विद SPF डेफिनेटली ट्राई दिस आउट. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट बॉडी लोशन विच इज़ रिसेंटली लॉन्च बाय कॉन्शियस केमिस्ट ब्रांड. आपने सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है यू नीड टू हियर दिस आउट. This body lotion is also equally very good. Like it is literally the competitor for Wishcare ka sunscreen body lotion. Conscious Chemist ka bodyguard weightless formula sunscreen body lotion with SPF 50. So I have a coupon code from Conscious Chemist also. अगर आपको try करना है discount code आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. By the way सारे coupon code सारे brands के आपको नीचे description box में भी मिल जाएंगे and इन सारे products के links भी आपको नीचे description box में मिल जाएंगे. अभी मैं इसको ज़्यादा like 2 weeks समथिंग मैंने यूज़ किया है इसको एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. लाइक इट इज़ ऑल्सो एज आई मैंशन वेरी वेरी गुड. मैं आपको इसका पहले कंसिस्टेंसी बताती हूँ. दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग फॉर कॉन्शियस केमिस्ट लुक्स लाइक. एक ट्यूब पैकेजिंग में आता है, स्क्वीजी वाला पैकेजिंग रहेगा इसका एंड द कलर्स आर सो वाइब्रेंट एंड लुक्स वेरी वेरी गुड. अच्छी एकदम ट्रैवल फ्रेंडली वाली पैकेजिंग है बट अगर इसका कैप खुला है पिच का तो फिर ये बाहर निकल सकता है. दैट यू नीड टू बी केयरफुल फॉर. This is how the consistency looks like. I'll just spread it for you guys. Okay, it seems lightweight only. Wishcare वाला ज़्यादा thick है. मैंने गलत बोला था, Wishcare वाला ज़्यादा thick है लगाने में and ये भी nevertheless बहुत easily absorbs होता है skin में and बिल्कुल भी white cast नहीं देता. Helps to fade the pigmentation on your body if you have any and to prevent from tanning. बहुत इसमें विश्वास से भी बहुत ही हल्का फ्रेग्रेंस आ रहा है. लाइक एकदम नेग्लिजिबल फ्रेग्रेंस है इसमें, बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस मुझे तो नहीं लग रहा है. इट्स इन्फ्यूज विद नायसनमाइड टू हेल्प विद पिगमेंटेशन एंड इट ऑल्सो हैज सेरामाइड्स टू लॉक इन द मॉइस्चर एंड टू हेल्प सपोर्ट द स्किन बैरियर ऑन योर बॉडी एज वेल. एंड इसका प्राइस मैं आपको बताती हूँ, 699 है 150 ml के लिए. इट इज़ काइंड ऑफ कॉस्टली बट कॉन्शियस केमिस्ट में ऑनेस्टली ना बाय वन गेट वन सेल आती है तो दैट विल बी द बेस्ट टाइम आपको खरीदने के लिए ये प्रोडक्ट. एंड इट इज़ नाइस, इट इज़ वेरी लाइट वेट, लाइक विश्वास से भी ज़्यादा लाइट वेट है ये. अगर मैं आपको बताऊँ मॉइस्चराइजेशन फील के बारे में तो मुझे विशकेयर थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग लगा एंड ये वाला थोड़ा लाइट वेट है तो मे बी उतना मॉइस्चराइजिंग नहीं लगेगा. बट कुछ लोगों को उतना ड्राई बॉडी स्किन टाइप नहीं होता है जितना मुझे है तो आप उन लोगों के लिए कॉन्शियस केमिस्ट वाला विल बी मच बेटर. बट मेरा थोड़ा ड्राई स्किन टाइप है बॉडी का तो मुझे विशकेयर वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा. बट आई नेवरदलेस लाइक कॉन्शियस केमिस्ट ऑल्सो एंड लाइक इट इज़ वेरी गुड. आई रियली लाइक द फॉर्मूला एंड वो भी बिल्कुल नॉन स्टिकी है, कुछ फ्रेग्रेंस नहीं है तो एकदम लाइक इट इज़ वेरी गुड. एंड इट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन टू कैरी ऑन फॉर बीच एज वेल. अगर आप ट्रॉपिकल कंडीशंस में जा रहे हो तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है. लाइक विशकेयर एंड कॉन्शियस केमिस्ट आर लिटरली कॉम्पिटिटर्स फॉर बॉडी सनस्क्रीन्स अभी के लिए मेरे लिए. ऑल्सो गाइज लाइक बॉडी सनस्क्रीन भी आपको हर 2 घंटे में रीअप्लाई करना चाहिए, चाहे आप स्प्रे वाला सनस्क्रीन लगा रहे हो चाहे आप ये वाला बॉडी लोशन वाला सनस्क्रीन लगा रहे हो. बट यू नीड टू रीअप्लाई दैट ऑल्सो इन एवरी 2 आवर्स. कमिंग ऑन टू द बॉडी सनस्क्रीन स्प्रे. सो द मैं सीक्वेंस में जाऊंगी. द फर्स्ट बॉडी सनस्क्रीन स्प्रे दैट आई ट्राइड वॉज पॉपेक्सो बीच बम मल्टी यूज सनस्क्रीन स्प्रे. दिस इज हाउ द पॉपेक्सो सनस्क्रीन स्प्रे लुक्स लाइक. बहुत ही छोटी सी बॉटल में आता है. ये मैंने मिंत्रा से खरीदा था. लाइक दिस इज द फर्स्ट सनस्क्रीन स्प्रे आई केम अक्रॉस तो मुझे ये खरीदना था ट्राई करने के लिए कि कैसे रहते हैं सनस्क्रीन स्प्रे. दिस इज फ्रॉम माई ग्लैम ब्रांड. लाइक आपने देखा होगा उनके लिपस्टिक्स वगैरह के बहुत एड्स आते हैं हमको. इट हैज SPF 50 एंड इट कम्स इन 50 grams फॉर 349 rupees समथिंग. लाइक आपको थोड़ा सेल वगैरह में मिल जाएगा मिंत्रा पे या फिर कहीं पे. आई थिंक इट्स अवेलेबल ऑन नाइका ऑल्सो, आई एम नॉट श्योर.
मैंने मिंत्रा से लिया था. इट सेज इट इज वाटर रेजिस्टेंट एंड इट इज फॉर फेस बॉडी एंड हेयर. ये मुझे पहला दिखा है जो कह रहा है कि ये हेयर के लिए भी है. आई हैव नॉट ट्राइड है एंड आई एम नॉट प्लानिंग टू ट्राई ऑल्सो, बट लाइक इफ यूर इंटरेस्टेड यू कैन ट्राई. वाटर रेजिस्टेंट भी मुझे पता नहीं है, आई डोंट थिंक इट इज वाटर रेजिस्टेंट. द इंग्रीडियंट्स इट हैज इज हाइलुरोनिक एसिड, कोकुम्बर एक्सट्रैक्ट एंड रास्पबेरी सीड ऑयल. सो ये ना बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट एंड वाटर लाइक फॉर्मूला है इसका, एंड यू नीड टू शेक इट बिफोर अप्लाइंग, ऐसा इसमें लिखा आता है इंस्ट्रक्शन में. एंड आपको इसको भी 2-3 आवर्स में रेगुलरली रीअप्लाई करना है 12 इंचेस अवे फ्रॉम योर फेस और हेयर और बॉडी. अब मुझे नहीं पता 12 इंचेस कितने होते हैं, अभी ऐसे स्प्रे करके दिखाती हूँ. थोड़ा एक ये मिल्की वाला इसका ना वो छोड़ता है, तो यू कैन जस्ट रबेड तो अच्छे से आपके स्किन में स्प्रेड हो जाएगा. एंड आई डोंट थिंक इट गिव्स एनी चिप चिप. थोड़ा सा इसमें अजीब सी मेडिकेटेड वाली फ्रेग्रेंस है, बट इट इज़ ओके, लाइक इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है. देखो बहुत ही अच्छे से स्किन में स्प्रेड हो गया एंड कुछ भी वाइट कास्ट नहीं है, बिल्कुल भी चिप चिप भी नहीं लग रहा है, सो दैट इज़ नाइस. So this is how the Popexo looks like. It is very छोटे सा bottle, so you can carry this also. Like कुछ लोगों को feet में बहुत ज़्यादा tanning होता है, जगह धूप में काम करने वाले इंसान हो या आपको इसे बस face पे mist करने के लिए चाहिए तो भी बहुत अच्छा option है. Like it is very lightweight and इतना छोटा सा है तो आप फटफट ऐसे कर सकते हो. This is also a good option, but मुझे इसका पता नहीं है कितना provide करता है sun से like prevention, बट अगर वो यूवी कैमरा होता तो पता चलता फिर इन सबका. देन आई फाउंड द सेकेंड बॉडी सनस्क्रीन स्प्रे विच आई कैरीड विथ मी इन गोवा ऑल्सो. सो इसका मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है. दिस इज मोहा सनस्क्रीन स्प्रे, SPF 50, PA++++, ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA एंड UVB प्रोटेक्शन. इट इज ऑक्सीबेंजोन फ्री. सो ऑक्सीबेंजोन के बारे में हम डीप डाइव नहीं करेंगे, थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी टॉपिक रहता है, बट इट सेज इट्स ऑक्सीबेंजोन फ्री. इट comes with the richness of rice bran oil and it is silicone and paraben free. It is water resistant for 80 minutes, it says so. It comes in 170 grams for 699 rupees and you need to spray it 6 inches away from your skin. Isme aisa bolte hain ye log. This is basically for body and face, neck, and isko aapko shake karna hota hai apply karne se pehle. It has a cap and aapko aise isko open karna hota hai, aise band ho jayega ye. आपको थोड़ा आवाज आएगा. दिस इज हाउ यू कैन स्प्रे इट. जितना मुझे याद है ना ये थोड़ा स्टिकी स्टिकी फील होता है अभी भी. आई कैन लाइक यू कैन सी इट गिव्स अ वेरी शाइनी थिंग ऑन योर बॉडी. एंड मैंने जब इसको गोवा में लगाया था ना तो एक तो ऑलरेडी इतना धूप था, बहुत ही बीच के टाइम पे भी आपको और फिर गर्मी लगने लगता है, बीच के पास ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो मैं इसको लगा के जब जाती थी ना मुझे बहुत ही चिप चिप लगता था, लाइक इट फेल्ट कि आई एम अप्लाइंग अ सनस्क्रीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि सनस्क्रीन डस फील अ लिटिल चिप चिप ऑन योर बॉडी, तो मुझे वो लगता था. बट इसका खुशबू एकदम परफ्यूम जैसा है, कोई तो परफ्यूम बचपन में हम लगाते थे मतलब आता था तो वैसा वाला इसका थोड़ा लगता है. तो द लगाने का एक्सपीरियंस इज नाइस एंड इट डज फील लाइक यू आर अप्लाइंग अ सनस्क्रीन. इट इज हैवी लिटिल बिट एंड थोड़ा ग्रीसीनेस भी लगता है इसको लगाने के बाद, एंड थोड़ा आपका ना स्किन चमकता है. तो इफ यू वॉन्ट दैट टैन चमकने वाला लुक ऑन योर बीची वेकेशन देन यू कैन टेक दिस. बट ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ ना तो लाइक since I'm a person that does not like chip chip and मैं जब बीच पे के लोकेशन पे गई थी एंड मैंने जब इसको लगाया था तो उस टाइम मुझे वो अच्छा नहीं लगता. अभी मैं बोल सकती हूँ आपको कि या इट फील्स वेरी नाइस, इट फील्स वेरी शाइनी एंड क्या लुक आ रहा है इसका शाइनी वाला. बट जब मैं थी उस पोजीशन पे एंड जब मैंने इसको लगाया था तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था चीज़ कि वो बहुत चिप चिप लग रहा है. तो इफ़ यू लाइक मी यू विल नॉट लाइक इट, बट ठीक है इसका जो परफ्यूम एंड वो वाला मतलब है ना वो अच्छा लग रहा है. मे बी आई ट्राई टू फिनिश इट ऑफ इन विंटर्स,
क्योंकि मुझे पता है मैं इसको समर्स में फिर से नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो गर्मी के टाइम पे और चिपचिप वाली चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है. दिस वॉज माई एक्सपीरियंस फॉर दिस. इट इज़ अ वेरी रिनाउंड सनस्क्रीन, लाइक इट इज़ अ वेरी वायरल सनस्क्रीन स्प्रे, बहुत ही वायरल गया था ये एंड इट इज़ गुड ओनली, बट वो चिपचिप मुझे नहीं पसंद है. सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस फॉर मोहा सनस्क्रीन स्प्रे. सो दिस इज़ हाउ द बॉटल लुक्स लाइक एंड बहुत ही एकदम इनकी प्लास्टिक की पैकेजिंग नहीं है, बहुत ही स्टर्डी पैकेजिंग, लाइक आप गिराओगे ना तो आपको जो स्टील के गिरने की आवाज़ आती ना वैसी आएगी. एंड इसका कैप पैकेजिंग है तो यू कैन क्लोज इट लाइक दिस, सो इट इज़ लीक प्रूफ ऑल्सो. नेक्स्ट अप वी हैव डॉक्टर शेड्स का सनस्क्रीन स्प्रे. दिस वॉज ऑल्सो रिसेंटली लॉन्च एंड ये मुझे ब्रांड ने ही भेजा था, तो ये अभी ऐसे बॉक्स में मैंने रख के रखा है क्योंकि मैंने इसको इतना यूज़ किया नहीं है. कुछ टाइम के लिए मैंने इसको यूज़ किया था टेस्ट आउट करने के लिए. सो दिस इज हल्दी एंड हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन स्प्रे, SPF 50, PA++++, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ब्लू लाइट एंड IR प्रोटेक्शन एंड UVN, UVB रेज. इट इज ऑयल फ्री, बेंजोफेनॉन फ्री. तो इसमें 1% हल्दिया एक्सट्रैक्ट है, 1% हाइलुरोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स है. इट सेज इट प्रोवाइड्स 24 hours हाइड्रेशन एंड इट इज डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर्मुलेटेड. सो ये 100 ml आता है फॉर 699 rupees, विच इज़ ओके. लाइक डॉक्टर शेड्स पे भी 1 buy 1 get 1 वाला सेल आता है, सो यू कैन ट्राई आउट एट दैट टाइम इफ यू वॉन्ट, इफ यू हैव द नीड to do so. This one is very very lightweight and it is very like non-greasy and easy to apply. Moha wale se to agar main compare karu na to bahut hi zyada lightweight hai. Isko bhi aapko 6 to 12 inches something se door se apply karna hota hai. This is how the packaging looks like. बहुत ही क्यूट कैप्सूल वाली इनकी पैकेजिंग है एंड इसका भी जो कैप है ना ये ऐसा वाला है, तो आप इसको ऐसे करोगे तो ये बंद हो जाता है एंड ऐसे करोगे तो समथिंग क्लोज हो जाता है, वो ओपन हो जाता है. देन यू कैन स्प्रे इट. ये जब आप स्प्रे करोगे तो थोड़ा वाइटिश आपके उसमें बॉडी पे छोड़ता है, देन यू कैन ईजिली रब इट ऑफ एंड रब करने में बिल्कुल भी आपको ऑयली ग्रीसी वाला फील नहीं होगा. इट इज ऑयल फ्री एज अ ब्रांड सेज एंड आप देख सकते हो बिल्कुल भी शाइनी वाला चीज ये नहीं छोड़ रहा है मोहा के जैसे. एंड इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ फ्रेगरेंस, लाइक जो आई थिंक डॉक्टर शेड्स के सारे सनस्क्रीन में रहता है वैसा वाला हल्का वाला इसका फ्रेगरेंस है. बाकी बिल्कुल भी लाइक उतना ग्रीसी नहीं लग रहा है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि आपने हाँ कोई सनस्क्रीन लगाई है. बाकी बट इट डज नॉट फील लाइक अनकम्फर्टेबल टू मी, जितना मुझे मोहा अनकम्फर्टेबल लगा था. आई हैव यूज इट अ कपल ऑफ टाइम्स एंड ये मुझे अच्छा लगा काफ़ी, लाइक आई कैन स्प्रे इट ऑल ओवर माई हैंड्स एंड लेग्स, सो काफ़ी कन्वीनियंट है यूसेज के लिए. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, यू कैन ट्राई, डेफिनेटली ट्राई आउट दिस बॉडी सनस्क्रीन स्प्रे. सो दीज वर ऑल द बॉडी सनस्क्रीन स्प्रेज एंड बॉडी लोशन विद सनस्क्रीन SPF जो मैंने ट्राई किए हैं. इसके अलावा डर्माको ने भी लॉन्च किया था आई थिंक एंड एक्वालॉजिका ने भी लॉन्च किया है, बट मैंने वो ट्राई नहीं किया है. दीज वर ऑल द एक्सपीरियंसेज फॉर द प्रोडक्ट जो मैंने ट्राई किया है, बट जितना मैं आपको वीडियोज वगैरह देख के बता सकती हूँ ना कि एक्वालॉजिका एंड डर्माको दोनों का भी डॉक्टर शेड्स जैसा ही काइंड ऑफ ऑलमोस्ट है टेक्स्चर एंड एक्सपीरियंस अप्लाई करने का. बाकी इट्स योर चॉइस टू बाय एनी वन यू वॉन्ट. सब के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी फॉर चेकिंग इट आउट. आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड आपको कुछ हेल्पफुल इंसाइट्स मिले हों बॉडी सनस्क्रीन स्प्रेज एंड बॉडी सनस्क्रीन लोशन के लिए. पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं कब क्या प्रेफर करूंगी, सो नॉर्मल डेली यूसेज के लिए ना ऑब्वियसली मैं बहुत लेजी हूँ, लाइक मैं सनस्क्रीन स्प्रे छिड़कने का बिल्कुल भी आलस, मेरे को वो रहता है कि मेरे को नहीं मेहनत करना है, तो मैं बॉडी सनस्क्रीन लोशन ही लगाती हूँ. विश्के वाला आई वॉज लविंग इट वेरी मच, अभी एक मेरा बॉटल खत्म हो गया है. तो आई एम करेंटली यूजिंग बॉडी लोशन, नायका का लव स्ट्रक का एक बॉडी लोशन मैं कभी कभी लगाती हूँ. देन आई एम ऑल्सो ट्राइंग आउट माई एम कैफीन का बॉडी बटर, मैंने खरीदा था तो मुझे ट्राई करना पड़ रहा है वो. एंड उसके अलावा आई एम यूजिंग वॉट आई एम डेफिनेटली लविंग प्लम बॉडी लविंग का वनीला कैरामेलो वाला बॉडी लोशन, वो तो मेरा लाइक एकदम मस्त वाला फ्रेग्रेंस वाला बॉडी लोशन है. तो अभी मैं वो खत्म कर रही हूँ, तो अभी मैं विशेयर वाला नहीं खरीदी थी दोबारा, मतलब सेकेंड बॉटल नहीं ओपन करी थी. बाकी कॉन्शियस केमिस्ट का ये वाला बॉडी लोशन भी मैं कभी कभी लगाती हूँ, लाइक जैसे जब धूप निकलती होती है ना मुझे लगाने का मन करता है तो मैं इसको लगा लेती हूँ. इट इज़ अ वेरी वेरी गुड बॉडी लोशन.
तो नॉर्मल एवरीडे बेसिस पे मैं यही लगाती हूँ. बट अगर कभी मुझे बाहर जाना है एंड मुझे लाइक काइंड ऑफ वेकेशन, पिकनिक, इन सब के उसमें जा रही हूँ तो मैं लगा सकती हूँ. बाय द वे, आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर, दीज ऑल बॉडी सनस्क्रीन्स एंड बॉडी लोशंस, आई डोंट थिंक दे आर प्रेगनेंसी सेफ. लाइक आई वुड नॉट वॉन्ट टू से इट इज प्रेगनेंसी सेफ. डू कंसल्ट योर गायनेक एंड डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर अप्लाइंग देम इफ यू आर प्रेगनेंट और फिर इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग. तो प्लीज एक बार कंसल्ट कर लेना. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आई विल टेक अ लीव नाउ एंड टाटा. आई विल सी यू गाइस विद अनदर वीडियो वेरी वेरी सून. बाय.